ये सब सारे जुमलेबाज है, ये जितने भी दिखते हैं ना आपको, चाहे पूर्व हो, भूतपूर्व हो, वर्तमान हो, वो बस ये जो राजनीति हो रही है, जुमलेबाजी की राजनीति हो रही है, केवल और केवल जुमलेबाजी है और कोई करना नहीं जाता है। ये राजनीति केवल अपने लिए करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि अपना विकास, अपने बैंक में जो अकाउंट्स है उसमें जीरो की संख्या कैसे बढ़े, बस इसके लिए राजनीति होती है। जात पात धर्म से ऊपर उठिए और ऐसे लोगों को लाइए जो आपके लिए बना हो, आपके लिए काम करे। ऐसे लोगों को मत लाइए, आप मजहब और धर्म के नाम पे अपने आप को जो है ना कुंठित कर रहे हैं, अपने आप के जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं। हमें लगता है कि यहाँ अगली बार बदलेगी, यहाँ बिल्कुल यहाँ से कैंडिडेट भी बदलेंगे और कुछ नया आएगा, आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, मुझे बिल्कुल लगेगा, दिखेगा कि कुछ नया हो रहा है। भाजपा वालों से कभी पूछिए कि जब वो नीतीश के साथ थे, चाहे कोई भी ऐसी पार्टी होती है, कोई भी ऐसे लोग आते हैं, तो जब वो भाजपा में मिल जाती है या भाजपा के साथ सरकार बनाती है, तो क्या यहाँ पे मंगल राज आ जाता है? डॉक्टर साहब, आप एक काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, फिर भी आप अपने डॉक्टरी पेशा को छोड़ करके राजनीति में अपने आने का प्लान क्यों बनाया, क्या वजह थी? सबसे पहले तो एएचओ न्यूज की तरफ से जितने भी हमारे दर्शक हैं, बिहारवासी हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम है। आरिफ जी, स्पेशल थैंक्स कि आपने मुझे ये मौका दिया अपना पक्ष रखने के लिए। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि मैं इसी ढाका विधानसभा से बिलोंग करता हूं और हमारी ये जन्म धरती रही है, वो अलग बात है कि हमारी कर्मभूमि दिल्ली है। तो कोई भी इंसान जब अपने जन्म धरती पर जहाँ से वो बिलोंग करता है और वो स्थिति को देखता है, वहाँ के मनुष्य का जो लेवल है, जो गरीबी है, चाहे किसी तरह की भी परेशानी वहाँ पर होती है और जो दिखाई देती है, तो कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों को ज़रूर कचोटती है कि नहीं, हम इसी धरती पर रह के कहाँ से कहाँ पहुँच गए, इसी जन्म धरती से हम भी पैदा लिए हैं और यहाँ की स्थिति वैसी की तैसी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, हमें कुछ करना चाहिए अपने जन्म धरती के लिए। यही सोच हमें यहाँ खींच के लाई है। जब आप क्षेत्र में जाते थे, बिल्कुल अस्पताल की स्थिति, यहाँ के विद्यालय की स्थिति आपको कैसा लगा? बिल्कुल, मैं जब आया था, मैं ऐसा नहीं, मैंने हर एक जगह घुमा है। मैं चुनाव से लगभग 7 महीने पहले मैं यहाँ आया था और मैंने 7 महीने में, मुझे लगता है कि ढाका विधानसभा के एक एक गांव में मैं पहुँचने का कोशिश किया और पहुँचा हूँ। शायद आपको भी पता होगा, मुझे लग रहा है अगर गांव छूटा भी होगा तो मुझे नहीं पता कि कोई ऐसा गांव छूटा होगा। मैं हर एक एक गांव में पहुँचा हूँ और वो भी अपने 2-4-5 बंदे जो भी थे उनके साथ मैं एक एक गांव को टच किया हूँ। तो मैंने यहाँ की स्थिति से रूबरू हुआ कि क्या स्थिति है, चाहे वो स्कूल हो, विद्यालय हो, या यहाँ की प्रशासन हो, रोड हो, पानी हो, नाला हो, हर एक समस्याओं को मैंने समझा यहाँ। अच्छा, जिस तरह से ढाका विधानसभा में जिस विकास की बात की जाती है, आपको घूमने के बाद कैसा लगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ये सब सारे जुमलेबाज है, ये जितने भी दिखते हैं ना आपको, चाहे पूर्व हो, भूतपूर्व हो, वर्तमान हो, वो बस ये जो राजनीति हो रही है, जुमलेबाजी की राजनीति हो रही है, केवल और केवल जुमलेबाजी है और कोई करना नहीं जाता। ये राजनीति केवल अपने लिए करते हैं, अपने विकास के लिए करते हैं। इनका मेन मोटिव होता है कि अपना विकास, अपने बैंक में जो अकाउंट्स है उसमें जीरो की संख्या कैसे बढ़े, बस इसके लिए राजनीति होती है। चुनाव हारने के बाद अक्सर जो प्रत्याशी होते हैं गुम हो जाते हैं, लेकिन आप चुनाव हारने के बाद भी लगातार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, मैं संकेत क्या है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं संवेदनाएँ जो होती है हमारे अंदर वो जिंदा है और मैंने सोचा है कि मुझे अपने इस क्षेत्र के लिए कुछ करना है। तो मुझे पता है कि थोड़ा टाइम लगेगा या लग रहा है, लोग धीरे धीरे जगेंगे, देखेंगे, समझेंगे। धीरे धीरे मैं जो है वो मैं कर रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे अपने मुकाम की ओर। आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, बातों को रख रहे हैं, लोगों का रुझान क्या मिल रहा है, लोगों को आपकी बातें समझ में आ रही है? पिछले विधानसभा में मैंने घूमा था तो लोग बोलते थे डॉक्टर साहब ये बहुत अच्छी, मैंने हम लोग के लिए तो बहुत ये बड़ी बात है कि एक दिल्ली एम्स का डॉक्टर इतने बड़े पोस्ट पे होते हुए आप आए हैं हमारे क्षेत्र में, हमारे लिए तो गर्व की बात है। लेकिन आप तो देखते हैं कि ढाका की स्थिति क्या है, ढाका में बस यही 2 लोग पड़े हुए हैं, हम लोग भी बदलाव चाहते हैं, बस आप लोगों के साथ जाइए, यहाँ देखिए, समझिए, हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे और धीरे धीरे ये कारवा बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, बिहार की राजनीति में कुल मिलाकर अगर बात की है तो जातिगत चीज़ बहुत देखी जाती है, क्या आपको इसका नुकसान देखने को मिल रहा है? बिल्कुल,
देखिए यही जातिवाद और धर्मवाद तो इस देश को या राज को इस ओर धकेल के रख दिए हैं। हमें तो ये सोचना पड़ेगा, हम जैसे पढ़े लिखे लोगों को समझाना भी पड़ेगा कि हम एटलीस्ट इन चीज़ों से ऊपर उठें। जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है, हमें तो उठना पड़ेगा इन चीज़ों से। क्या जिस तरह से डॉक्टर राजन जायसवाल लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्या आने वाले जो 25 में चुनाव है इसकी तैयारी ऐसे ही शुरू कर चुके हैं? देखिए तैयारी तो मैं जब 2020 में आया था उसके पहले से ही हो चुकी है, लोगों से मिलना, बातें करना, समस्याओं का हल करना, जहाँ तक हो हर संभव प्रयास करना। तो मेरी ये सेवा जारी रहेगी। ये तो डिसाइड करना यहाँ के लोगों को कि उनके बेहतर के लिए कौन बेटर है। सर पिछले मतलब तो आप यूँ ही चुनाव लड़ ली, लेकिन इस बार क्या किसी पार्टी बड़े पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ना है या निर्दलीय चुनाव लड़ना? देखिए ये कहना थोड़ा सा अभी जल्दीबाजी होगी जी, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं अगली चुनाव कुछ दमदार होगी यहाँ की, दमदार होगी, बिल्कुल दमदार होगी। आपके एक भाई हैं डॉक्टर संतोष जायसवाल जी, जो कि तेजस्वी यादव के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, क्या ढाका विधानसभा के लिए या शिवहर लोकसभा के लिए कुछ देखिए देखने को मिलेगा आने वाले चुनाव में? हमें लगता है कि यहाँ अगली बार बदलेगी, यहाँ बिल्कुल यहाँ से कैंडिडेट भी बदलेंगे जी, और कुछ नया आएगा, आप लोगों को कुछ नया देखने को मिलेगा, मुझे बिल्कुल लगेगा दिखेगा कि कुछ नया हो रहा है यहाँ, क्योंकि तेजस्वी एक युवा है और तेजस्वी जी इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं, उनको बस कर्मठ चाहिए और उन्हें चाहिए कि ऐसे लोग रहें आए। और उन्होंने जब संतोष जायसवाल जी के कंधे पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, जो कि अभी RJD के नेशनल सेक्रेटरी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं इस बार बदलाव की आंधी आएगी इस ढाका विधानसभा में, बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। यहाँ के लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए हमारी तो यही रहेंगे उम्मीद, आप लोगों से यही अपील है कि भाई जात पात धर्म से ऊपर उठिए और ऐसे लोगों को लाइए जो आपके लिए बना हो, आपके लिए काम करे, ऐसे लोगों को मत लाइए। आप मजहब और धर्म के नाम पे अपने आप को जो है ना कुंठित कर रहे हैं, अपने आप के जनरेशन को बर्बाद कर रहे हैं, इन चीज़ों से ऊपर उठिए, मेरा ये रिक्वेस्ट हमेशा से है और आज भी और अभी भी मैं यही रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूँगा।